प्रतीक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। प्रतीक जी अभी अभी आए हैं। प्रतीक जी, तो चूंकि हम गुणगान कर रहे हैं श्री हरि का, और साथ ही साथ चूंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बस देखिए कैसे श्रद्धा से उमड़ पड़े हैं लोग वहां पर पूजा करने के लिए उस शिलाखंड की, तो जरा ये हमें बताइए कि अब जाकर के कह रहे हैं कि जहां जहां से ये शिलाखंड गुजर रही है, लोग चाहते हैं कि बस किसी तरह से एक बार चरण कमल को वो छू ले, प्रणाम कर ले, ताकि हमेशा के लिए दुख दर्द सब कुछ दूर हो जाए। जैसे शिव के प्रतीक शिवलिंग कहे गए हैं, वैसे विष्णु नारायण के प्रतीक शालिग्राम कहे गए हैं, और ये सिर्फ एक ही जगह पाए जाते हैं, गंडक नदी। गंडक नदी को काली गंडक, शालिग्राम नदी, छोटी नदी, बहुत तरह के नामों से पुकारा जाता है, और जो कि अल्टीमेटली बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है, और नेपाल में उसे छोटी गंडक कहा जाता है। 6 करोड़ साल से पुराना इतिहास है इसका, और इसके इतिहास के पीछे नारायण का जलंधर नाम के असुर से युद्ध के बारे में विष्णु पुराण में भी चर्चा हुई है, कि कहा गया है कि वृंदा नाम की स्त्री की वजह से जलंधर नाम का असुर अजेय हो गया था, जिसको नारायण ने पराजित किया था। उसे पराजित करने के बाद वृंदा ने नारायण को श्राप दिया कि आप पत्थर बन जाए क्योंकि आपने मेरे पति का वध किया है। तो इसलिए शालिग्राम पत्थर रूप में नेपाल के गंडक नदी, छोटी गंडक नदी जिसे काली नदी भी कहा जाता है, उसके आसपास बन गए। उसके बाद तमाम आग्रह देवताओं के, भगवान शिव के आग्रह के बाद वृंदा ने श्राप वापस लिया, तो फिर नारायण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम आज के बाद से तुलसी नाम से जानी जाओगी, और अगर तुम्हारा भोग मुझ पर नहीं लगेगा तो वो प्रसाद मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो इसलिए इतनी बड़ी, इतनी विराट मान्यता है शालिग्राम की। शालिग्राम सिर्फ एक पत्थर नहीं है, जैसे शिवलिंग को देखते ही हम अपना सर नवाते हैं, झुकाते हैं, वैसे ही शालिग्राम विष्णु जी के कहीं ना कहीं, आप कह सकते हैं पत्थर, उनके शालिग्राम को माना गया है। इस वजह से जहां जहां से निकलना है, जबरदस्त आस्था का सैलाब आप देख रहे हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में होगा धीरे धीरे। ये बहुत पवित्र पत्थर माना गया है, और 25 तरह के पत्थर शालिग्राम माने गए हैं, नारायण, लक्ष्मी नारायण, वामन अवतार शालिग्राम, इस तरह के 25 तरह के शालिग्राम हैं, जिसमें से ये सबसे पुरानी कहा जा रहा है कि शिला है, जो 6,000 करोड़ से पुराना पत्थर है। तो इसलिए इसको उकेरते, इसमें जब आकृति उकेरते हैं, कहते हैं कि इसमें इतनी आसानी से हो जाती है जो नॉर्मल पत्थर में नहीं हो पाती है, अपने आप में तमाम चीजें समेटे हुए हैं, इसलिए आस्था का ये सैलाब है, इसलिए भारत में कहीं ना कहीं एक तरह से आज की डेट में दिवाली मनाई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि इंतजार और बेसब्री ठीक वैसी ही है जिस तरीके से भगवान श्री राम जब वापस अयोध्या लौटे थे। उसकी एक वानगी हम आपको दिखाते हैं इस वक्त कुशीनगर में, शिल्पी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, और शिल्पी इंतजार की घड़ियां और लंबी होती जा रही है। देखिए, क्योंकि वक्त जो था, वक्त हालांकि था कि 1:15 का वक्त है जब यहां से कुशीनगर से यात्रा गुजरेगी, लेकिन अभी जो खबर है वो यही है कि अभी फिलहाल गोपालगंज शहरी इलाके से ही गुजर रही है, और यहां पर इंतजार की घड़ियां और लंबी होती जा रही हैं। देखिए, इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं, लेकिन वो थकान यहाँ के लोगों के चेहरे पर नहीं दिख रही है। बल्कि हमने थोड़ी देर पहले लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम उन शालिग्राम शिलाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम उनको देखेंगे, हम उनके दर्शन करेंगे। तो लोगों से ही पूछते हैं कितनी ज्यादा प्रतीक्षा इन शिलाओं की है, लेकिन अब इंतजार की घड़ियां तो लंबी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं। आप पूरी साज सज्जा के साथ यहाँ तैयारी कर रहे हैं, वही बात, इंतजार किसका है ये जानना लोगों को जरूरी है। इंतजार है युगों के युगांतर नायक महानायक रामलला का इंतजार है यहाँ लोगों को। तो यहाँ मैडम समय नहीं पूछा जाता है, कोई किसी से समय नहीं पूछ रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ जो हमारे पूर्वज, कितने पूर्वज जो इस झलक को पाने के लिए ललायत थे, लेकिन आज वो नहीं है, उनकी आत्मा भी इंतजार कर रही है। आज हम उनके संतान जो यहाँ सनातनी यहाँ मौजूद है, आज भी उनका हृदय तृप्त होगा जब हम उनका दर्शन कर लेंगे। तो रामलला का जो इंतजार है, देखिए यहाँ पर उत्साह देखिए। ये बताइए कि अभी यात्रा यहाँ पहुंचेगी तो आपको क्या लगता है, जैसी तैयारी है, पुष्प वर्षा की जाएगी, 51 शंख ध्वनि की जाएगी, सौभाग्य आप लोगों का है जो इस यात्रा को देखेंगे इन शिलाओं के। जी, मैं अभिषेक आनंद सबको साथ प्रणाम करता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात है, सवेरे 8 बजे से है और कल सवेरे 8 बजे तक रहना हो तब भी कोई समस्या नहीं, कोई इशू नहीं है। हजारों हजार साल की गुलामी और हजारों हजार साल से जो हमारे पूर्वज सोचते रहेगा जिसको करने के लिए, काम पूरा करने के लिए, उस रामलला का शिला का हम लोग को
दर्शन मिल रहा है, इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम लगातार कई दिनों तक यहाँ खड़ा रह सकते हैं और हमारे आराध्य देव जो महाराज जी हैं, श्री राम जी हैं और माता सीता है, उनका दर्शन और वंदन करने के लिए हम अपना पूरा जीवन और युगों तक अपना लगा सकते हैं। राम को मर्यादा से जोड़ा जाता है, शक्ति से जोड़ा जाता है, सौंदर्य से जोड़ा जाता है, लेकिन धैर्य भी कितना है उस बात को भी राम को मानने वाले ये यहाँ पर कह रहे हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं, यही आसपास के रहने वाले हैं, और कितनी प्रतीक्षा की घड़ी होता है ना कि जब पास आती जाती है ऐसी घड़ी तो अब और लगता है कि जल्दी हो। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हमारे आराध्य की आज तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि शालिग्राम महाराज के इंतजार में हम लोग लगे हुए हैं। भगवान राम के भव्य मूर्ति उसी शालिग्राम महाराज के पत्थर से बनेगा जो 6000 वर्षों से पुरानी है, जो लगभग 6000 वर्षों पुरानी है और निरंतर आज नहीं अनादि तक वो वैसे ही रहने वाली है। इसलिए भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति जिस पत्थर से बन रहा है उसके दर्शन के लिए 2 दिन 2 रात 2 साल 10 साल 20 साल तपस्या करना हो तो भी हम लोग यही डटे रहेंगे। आप सुनिए इनकी बातें, आपको लगेगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि ये शिलाएं जब यहाँ पर पहुँचेंगी तो यहाँ पर पूरी तैयारी है, पुष्प वर्षा की जाएगी, यहाँ पर 51 शंखों की ध्वनि की जाएगी और यहाँ पर जो बालक आए हैं वो स्वस्ति वाचन करेंगे, काशी से आए हुए हैं बटुक, वो स्वस्ति वाचन करेंगे। अपने आप में कितना महत्वपूर्ण, कितना विशेष दिन है आज का? बहुत ही उत्सव का दिन है। तो सबसे पहले तो आज मंगलवार दिन है और ये हम लोग सुबह सुबह बजरंग बली का पूजा भी किए हैं। ये सौभाग्य का समय है हम लोगों के लिए कि जो हम लोग के पूर्वज को, मतलब पूर्व के सरकारों ने पूर्वजों को जान ले ली थी, रामलला मंदिर पे जब गए थे लोग तो गोलियां चलाई थी, आज हम लोग के लिए सौभाग्य है कि उसका एक एक बदला हम लोग ले रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का सौभाग्य है कि हम लोग उनको चुने हैं। आपके पास तमाम लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है।